स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सरकारी शूटर दयानायक। दयानायक एक बार फिर से मुंबई पुलिस में अपने पुराने अंदाज में वापसी करने को बेताब है, लेकिन क्या उसके दाग धुल पाएंगे, क्योंकि सुपारी लेकर एनकाउंटर करने के आरोप में पूरा महकमा शर्मसार हो गया था। नाम बेशक दया हो, लेकिन वो जब अपनी पर आता तो दया नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। दयानायक मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। दयानायक मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर था। 1995 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उसने माफिया राज और अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए अपनी टीम तैयार की। बस यहीं से एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया। दया ने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 86 एनकाउंटर किए, लेकिन जैसे जैसे एनकाउंटर बढ़ते गए दया पर इल्जाम भी लगते गए। उसे क्लीन चिट मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके इस तरह से कारनामे हैं, इस तरह के काम हैं कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। रही बात अब आगे काम करने की, कि आगे दयानायक किस तरह से काम करने वाले हैं, किस तरह से पुलिस फोर्स में उनका पद बुलंद हुआ है, कितने ऊंचे तक जा सकते हैं, अब ये कहना मुश्किल है। दया के खिलाफ क्रिमिनल्स से साठगांठ के इल्जाम लगातार लगते रहे, और ये भी बातें सामने आई कि इस साठगांठ के जरिए दया ने फर्जी एनकाउंटर किए और खूब पैसे कमाए। लिहाजा बात खुली तो 18 फरवरी 2006 को मुंबई सेशंस कोर्ट ने दया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। दया ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी। कोर्ट ने दया की अर्जी खारिज कर दी। मजबूरन दया को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद दया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दया लगातार कहता रहा कि वो निर्दोष है। आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने दया को क्लीन चिट दे दी। एक यही सब इंस्पेक्टर यदि कोई आर्म्स ब्रांच में है या स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में है, दर्जा उसका वही है, तनख्वाह भी वही है, वो मुश्किल से मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाता, साइकिल पे चल रहा है, और वहीं पे उसी दर्जे का व्यक्ति जब क्राइम ब्रांच में आ गया, उसका एक शहंशाही स्टाइल से हर कोई घूम रहा है। सबूत था, परिस्थितियां थी, एक्शन लेना कानून के हिसाब से जरूरी भी था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारी जो यंत्रणा है, जो जांच यंत्रणा है, इस पे जो है पूरी कार्रवाई नहीं कर पाई। दयानायक को क्लीन चिट मिल गई है और अब उसकी एंट्री दोबारा मुंबई पुलिस में भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दया के खिलाफ सबूत नहीं थे, या फिर दया को जानबूझकर फंसाया गया, जिसके लिए जिम्मेदार थी डिपार्टमेंट की अंदरूनी सियासत। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दयानायक को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार तो कर लिया और इंक्वायरी भी हुई, बावजूद इसके दयानायक पर किसी भी किस्म का कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका और जांच एजेंसियों को मजबूरन दयानायक पर दया करनी पड़ी। अब इसे दयानायक की किस्मत कहें या जांच एजेंसियों की कमजोरी, बहरहाल दयानायक आजाद हो गए। मुंबई से न्यूज एक्सप्रेस के लिए शाहिद अंसारी। हालांकि दया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा वो बेकसूर है, लेकिन किसी ने नहीं माना। अब क्लीन चिट मिली है तो सामने आ गई है हकीकत। कहीं ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी पॉलिटिक्स तो नहीं थी। एक वक्त था जब दया नायक के नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड थर्राता था, क्योंकि दया जिस बेदर्दी से एनकाउंटर करता उससे बदमाशों के जहन में खौफ पसर जाता था। खौफ का ये खेल जारी था। दया नायक एनकाउंटर पर एनकाउंटर करता चला गया। शोहरत को अचानक से झटका मिला। खबर आई दया नायक के अधिकतर एनकाउंटर फर्जी थे। पुलिस के माने तो ये एक खेल था जिसमें एनकाउंटर सिर्फ नाम के लिए होते थे। एनकाउंटर के लिए सुपारी ली जाती थी, उसके बाद उसे एनकाउंटर में तब्दील कर दिया जाता था। पुलिस महकमे में खलबली मच जाती थी, लेकिन खबर बाहर नहीं आ पाती थी। दरअसल एक गैंग के गुर्गे दूसरे गैंग के गुर्गों को मरवाने के लिए दया एंड कंपनी को मुंह मांगी कीमत देते थे और दया नायक की टीम उसे एनकाउंटर करार देती थी। अब जो नई सूरत सामने आई है, नई चीज जो सामने आई है कि उनको फिर से पुलिस फोर्स में मौका मिला, इसकी सिर्फ यह वजह है कि जांच एजेंसियों ने पूरी तरह काम नहीं किया, जांच एजेंसियां फेल रही और
उनके फेल होने की ही वजह है कि उसको क्लीन चिट मिली और आज वो ड्यूटी पर बहाल हुए, आज वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। मुंबई में दया का नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शुमार किया जाने लगा, या यूं कहें दया नायक इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन उस पर लगे आरोपों ने मुंबई पुलिस को भी कटघरे में ला खड़ा कर दिया था। यही वजह है हमेशा मीडिया की खबरों का किरदार बने रहने वाले दया नायक अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ये दया भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दया के पास भी नहीं। सिर्फ दया नायक ही नहीं बल्कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की फायरिस्ट में शामिल हर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बुरे दिन आए। लेकिन इतना तो साफ है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड को खात्मा करने में इनका ही सहयोग माना जाता है, जिसकी वजह से आज मुंबई कर चैन और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दया नामक नाम का यह किरदार कैसे सिल्वर स्क्रीन पर सुपरहिट हो गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दया नायक की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, बेशक दया पर आरोप लगे, लेकिन मुंबई के हिफाजत के लिए दया की जरूरत कई दफा महसूस की गई। मुंबई में आतंकी हमला, जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। मुंबई पुलिस के सभी जांबाज आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे, लेकिन इस आतंकी हमले में जो मौजूद नहीं था वो था दया नायक, यानी मुंबई पर सबसे बड़ी आफत और दया नायक वहां मौजूद न हो, ये बड़ी अजीब बात थी। दरअसल दया नायक सस्पेंड हो चुका था, उस पर फर्जी एनकाउंटर के साथ आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगा था। आतंकवादियों ने जो किया वो सबने देखा, ऐसे में ये बात भी उठी कि अगर दया नायक की पूरी टीम एक्टिव होती तो शायद इस हमले पर काफी पहले ही काबू पाया जा सकता था, क्योंकि दया नायक और उसकी टीम में कई खुफिया थे। मुंबई के रास्तों के बारे में जानकारी, दुश्मनों पर काबू पाने में माहिर, हथियार चलाने की खास ट्रेनिंग, इन सब के साथ दया नायक और उनकी टीम के पास था बेमिसाल हौसला और दुश्मनों से लड़ने का जज्बा। ये अलग बात है कि इस हौसले पर सवालिया निशान लग चुका है। कई दफा दया नायक की अपनी ही टीम के दिग्गजों से अनबन हुई और सामने आया डिपार्टमेंट का काला सच, लेकिन वो सच काफी पीछे छूट चुका है। लोग दया को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं और दया के उसी अंदाज को ही फिल्मों में कई दफा दिखाया गया है। अब तक छप्पन डिपार्टमेंट, शूट आउट एट लोखंडवाला, साथ ही आने वाली फिल्म मैक्सिमम, इसके अलावा साउथ में भी कई फिल्मों में दया नायक को नायक दिखाया गया है। अब जब दया की वापसी हो गई है तो लोग भी यही चाहते हैं, दया उनके लिए हमेशा नायक ही रहे न कि खलनायक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।